मॉर्निंग फ्रेंड्स। हेलो सर जी। सर आपकी बाइक शोरूम में आ गई है। हाँ, तो आप कितने बजे तक आओगे? अगर एक बाइक राइडर के लाइफ में अगर कौन सा हैप्पी मोमेंट रहेगा तो वो यही है कि उसकी न्यू बाइक। और क्यों ना हो, एक बाइक लेने के लिए हमें बहुत सा हार्डवर्क करना पड़ता है। उस बाइक के साथ हमारी फीलिंग्स जुड़ी रहती है और उस बाइक को लेके हम बहुत सारे ड्रीम्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे एक दोस्त के साथ एक 2 दिन पहले एक इंसिडेंस हुआ। उसने न्यू बाइक ली और वो बहुत खुश था। उसने मुझे कॉल किया, मैं वो बाइक देखने गया एंड जैसे ही मैंने वो बाइक देखी तो मुझे कुछ चीज़ों पर डाउट हुआ। गाड़ी पे स्क्रैचेस थे, गाड़ी बहुत ज़्यादा किलोमीटर चली हुई थी। तो हम वो बाइक लेके शोरूम में गए, शोरूम के ओनर से बात की। लेकिन मुझे तभी एक चीज़ क्लिक हुई कि अगर हमारे ये फ्रेंड को ये तकलीफ़ हो सकती है तो हमारे सारे फ्रेंड्स को ये तकलीफ़ हो सकती है। हमें प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना ज़रूरी है और हमारा ये हक बनता है यार, हम इतना पैसा उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हम जितने पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे वो इंडिया के सभी शोरूम्स के लिए नहीं है। जैसे मैंने जहाँ से मेरी बाइक परचेस की वहाँ पे मुझे एक अच्छा सपोर्ट मिला और एक प्रॉपर गाइड किया उन्होंने मुझे। तो ये इंडिया के सभी शोरूम में नहीं होता है। कुछ कुछ शोरूम ऐसे हैं वहाँ पे कस्टमर को गाइड नहीं किया जाता और कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है। तो आप अगर न्यू बाइक लेने शोरूम में जा रहे हो तो आपसे होने वाली सबसे बड़ी गलती कि आपके दिमाग में सेट हो जाता है कि मुझे हाफ एन आवर में मेरी बाइक की डिलीवरी लेनी है, घर पे बाइक लेके जानी है, फ्रेंड्स को दिखानी है। एक्साइटमेंट होती है, मुझे भी पता है। तो ऐसा मत कीजिए, ये आपसे होने वाली सबसे बड़ी गलती है। आप अगर शोरूम में जा रहे हो न्यू बाइक लेने तो आपके दिमाग में एक सेट होना चाहिए कि मुझे वहाँ पर 4 से 5 घंटा रुकना है, क्योंकि न्यू बाइक लेते समय हमें बाइक के अलावा बहुत सी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि सबसे पहली चीज़ हमारा पेपर वर्क। आप चेक कर लीजिए कि हमारा पेपर वर्क नीट एंड क्लीन है कि नहीं। वहाँ पे इंश्योरेंस पेपर, टैक्स पेपर, उन पे जो हमारा नाम लिखा हुआ है उसके स्पेलिंग मिस्टेक्स चेक कर लीजिए कि प्रॉपर है कि नहीं। उसके बाद इंश्योरेंस में हमें बहुत से शोरूम से कहा जाता है कि आपको 0 डेप इंश्योरेंस मिलेगा, आपको 3 साल का इंश्योरेंस फ्री मिलेगा। तो वो भी एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि हमें जो इंश्योरेंस मिला है वो 0 डेप है कि नहीं। अगर 3 साल का इंश्योरेंस दे रहे हैं तो वो उनको एक बार फिर से पूछ लीजिए। उसके बाद आता है हमारी बाइक। हम हमारी बाइक का एक छोटा सा वॉक अराउंड लेंगे। वो वॉक अराउंड लेने के बाद हम सबसे पहले चेक करेंगे कि उसमें कितने स्क्रैचेस हैं। बहुत से बाइक पे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ कुछ बाइक पे बहुत बड़े बड़े स्क्रैचेस हो जाते हैं। छोटे हेयरलाइन स्क्रैचेस हम एक्सेप्ट कर सकते हैं बिकॉज ट्रांसपोर्ट में गलतियां होती है और ट्रांसपोर्ट में छोटे छोटे स्क्रैचेस आ सकते हैं, लेकिन बहुत कम, बहुत कम। उसके बाद पेंट क्वालिटी। पेंट क्वालिटी बाइक के सभी स्पेयर पार्ट पे सेम होनी चाहिए। कहाँ पे रफ है, कहाँ पे डल दिख रहा है और कहाँ पे शाइनी है, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आता है डेंट। बाइक पे कहाँ पे भी डेंट नहीं होना चाहिए, छोटा सा भी डेंट नहीं होना चाहिए। स्पेशली फ्यूल टैंक पे चेक कर लेना कि डेंट है कि नहीं। उसके बाद आता है रस्ट। बाइक के स्पेयर पार्ट चेक कर लेना कि फुटरेस्ट है, आपके जितने भी नट बोल्ट्स है वहाँ पे रस्ट है कि नहीं। और सबसे मेजर पार्ट जहाँ पे रस्ट बहुत ज़्यादा होता है, फ्यूल टैंक के अंदर बहुत से बाइक में रस्ट देखा गया है डिलीवरी के टाइम पे। तो वो सब चेक कर लेना। और अगर आपको आपका डीलर कह रहा है कि सर रस्ट है, हम पार्ट चेंज करके देंगे, तो फ्रेंड्स प्लीज़ वो बाइक मत लेना। आप उनको बोल देना कि हमें दूसरी बाइक दे दो, ये बाइक हमें नहीं चाहिए। ये सब चीज़ें होने के बाद आते हैं स्विच। बाइक के स्विच, जितने भी हमारे लाइट के स्विच आते हैं और डिजिटल मीटर ऑपरेट करने के स्विच आते हैं, तो वो सब चेक कर लेना कि प्रॉपर वर्क होते हैं या नहीं। KTM को हमें TFT कंसोल मिल रहा है, अदर बाइक्स को हमें डिजिटल मीटर्स मिल रहे हैं। तो चेक कर लेना कि वो डिजिटल मीटर हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं, उसमें जितने भी फीचर्स है वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं। कभी कभी होता है ऐसे कि हमें गियर इंडिकेटर मिसिंग होता है, उसके बाद फ्यूल गेज प्रॉपर नहीं दिखा रहा है। ये सब चीज़ें आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। अभी तक TFT कंसोल में तो हमने सुना नहीं है कि कुछ इशू आया है। मेरा भी खुद का TFT कंसोल में अभी कुछ इशू नहीं है, लेकिन इसमें आपको ध्यान देना ही देना है। उसके बाद आता है हमारा इंजन। इंजन में हमें चेक करना है कि कहाँ पे ऑयल लीकेज है क्या, स्पेशली इंजन हेड वगैरह, तो ये सब चेक कर लेना। हमारे बाइक में, हमारी बाइक अगर लिक्विड कूल है तो कूलेंट लेवल चेक कर लेना, इंजन ऑयल लेवल चेक कर लेना, ब्रेक ऑयल लेवल चेक कर लेना। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो कूलेंट पाइप है वहाँ पे लीकेज होता है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है, लेकिन इन चीज़ों पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और ये सब चीज़ें छोड़ के सबसे बड़ी दो चीज़ें जिन पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहली चीज़ कि यार मैंने बहुत से बाइक पे देखा है कि आप डिलीवरी ले रहे हो, बाइक का रनिंग है 70, 80, 90 किलोमीटर्स। यार टेस्ट राइड की बाइक ले रहे हो क्या फ्रेंड्स? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप न्यू बाइक ले रहे हो तो मैक्स 10 या 20 किलोमीटर बाइक चली होनी चाहिए। वो भी क्यों? क्योंकि बाइक का जहाँ पे स्टॉकयार्ड होता है वहाँ से शोरूम तक बाइक चला के लाते हैं कभी कभी, तो उसमें एक 10-20 किलोमीटर्स निकल जाते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा बाइक चली है तो आप उनको बोल दो कि ये बाइक हमें नहीं चाहिए, हमें दूसरी बाइक मैनेज करके दे दो। तो ये हुआ किलोमीटर्स के बारे में। और सबसे बड़ी बात, एक फ्रेंड से मेरी ये गलती हुई थी कि हम बाइक लेते हैं तो एक्साइटमेंट में बाइक लेके फटाक से एक राउंड मारने के लिए निकल जाते हैं। एक चीज़ पे आप ज़रूर ध्यान देना कि टायर प्रेशर, बाइक का टायर प्रेशर, जब भी बाइक कंपनी से शोरूम में आती है तो टायर प्रेशर प्रॉपर नहीं रहता, कभी कभी टायर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो ये हमारे बाइक के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है और न्यू टायर के हेल्थ के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो वो एक बार चेक कर लेना, जैसे आप बाइक की डिलीवरी लेते हो आप पहले उसका टायर प्रेशर चेक कर लेना। तो इतने सारे पॉइंट्स हैं, आप ये सारे पॉइंट्स अगर देख रहे हो तो आपकी बाइक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और आपकी इन्वेस्टमेंट सही जगह पे हो जाएगी और हैप्पी आप अपनी बाइक घर पे लेके आओगे। तो आज के हमारे वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारे सारे पॉइंट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई फ्रेंड न्यू बाइक ले रहा है तो उसे इस वीडियो को शेयर कीजिए। एंड चैनल अच्छा लगता है तो यार बताने की ज़रूरत नहीं, सब्सक्राइब कीजिए। Okay, bye-bye, take care, have a nice day.